सवाल है हाँ जी, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है ये आटा है? इधर आइए, महंगाई पे बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान। तुम मेरी बात सुनो, आपकी सैलरी कितनी है मंथली? 15,000 है। आपकी फैमिली कितनी खाती है? फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं। आटा कितने रुपए किलो हो गया अब? आटा कितने? 35 40 रुपए किलो। 50 रुपए किलो मान ले पाकिस्तान में, तो 160-180 रुपए किलो। क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ रहा उसको? देश को तो पहले देख लो। पिछले 60 साल में 58 लाख का कर्जा था, ठीक है, 88 लाख का कर्जा था पूरे 60 सालों में, और अब है 155 लाख का कर्जा हो रखा है मोदी सरकार ने करवा रहे। 155 लाख करोड़? हाँ, 155 लाख करोड़ का कर्जा हो रखा भारत में। ये डेटा कहाँ से है? ये डेटा कहाँ? ये डेटा भाई मोदी से पूछो ना, इतना कर्जा क्यों है? पिछले 60 सालों में इतनी सरकारें बनी, इतनी भाग गए, इतने करोड़ों का चूना लगा के 88 लाख रुपए कर्जा हुआ, लेकिन अब ये 14-10 सालों में 155 करोड़ का कर्जा हो रखा भारत पे। 4 दिन बता रहा हूँ, अडानी को सारी चीज बेच दी। 4 दिन से रोटी नहीं खा रहा हूँ, आटे के महंगे हो गया, ठीक है। अडानी का LIC बेच दिया, SBI बेच दिया, रेल बेच दिया। तुम और तुम क्या करोगे? झोले उठाते रहोगे सरकार में, कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना? ऐसे घूमोगे, 15,000 रुपए लटके रहोगे भाई। ऐसी सैलरी आपकी रहेगी? ऐसी रहेगी? पूछो, ये फ्री में इन्हें राशन मिल रहा है, इनको देखो दिल्ली में रहता हूँ मैं, फ्री मिल रहा है लोगों को फ्री में। अच्छा, सिंपल एक बात बताओ, रबड़िया किसने बांटनी स्टार्ट करी थी ये बताओ? किसने करी थी? नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए की रबड़िया के वादे करे थे। वो तो दिखा दे, न्यूज दिखा दे, कहाँ से आ गई न्यूज दिखा दे। हाँ दिखा, न्यूज दिखाइयो और सुने, बीजेपी मैनिफेस्टो में दिखाइयो। 2014 से गाल बजा रहे हो तुम, अरे फिर भी हार जाते हो, अरे गाल बजा रहे हो। नाम ले लिया, इसने नाम लिया अमित शाह जी का। हम कहते हैं बमपंथियों, नलायकों, गवारों, पहले पर लिख लो अमित शाह का नाम लेना। अमित शाह वो बंदा है जो सबकी बात करता है, सबका साथ सबका विकास। अमित शाह जी ने कभी कहा हिंदू मुस्लिम का? नहीं कहा ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना, एक नपक राजनीतिक प्रेत लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, सामने आके। राशन वासन सस्ता हो जाए भाई, गरीब आदमी, सिंपल सी बात है, अभी भी काम करे कमा रहे। आज से 2 साल पहले 100 रुपए 80 रुपए किलो मिलता था, आप 40 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आटा मिलता था सर। 2008 में 4 में ले जाए ना, अटल जी के टाइम पे 8 रुपए किलो आटा था। हम नंगे थे ना, मोदी हम तो आदिवासी थे, 2014 से पहले आदिवासी थे, कच्चे माल खा रहे हो ना। ये दो बंदे कौन से टाइम में कलेक्टर थे? अभी तो हम अडल्ट हुए, जब हमारी आंखें खुली। हम तो भी वही थे, आज भी वही हैं। 50 साल के हम नौजवान, हमसे पूछो ना, हमें पता है कैसे हमारे घर वाले कैसे कमा के हमें खिला रहे, हमें पता है। मैंने 2 सवाल का मैनिफेस्टो में, हमारे घर वाले कमा खिला रहे, हमें पता है। उनको महंगाई का पता है, उनको भी महंगाई का पता है। आप मैं शांति से बोलूं कुछ, हम तो भाई जो हमारे, मैं शांति से बोलूं कुछ, एक मिनट चुप रहोगे मेरी बातें सुन लोगे? तू बोले 5 मिनट, तू बोले ना, आप बोल लो ना। ये बोला दारू, हम दारू पीते दिख रहे हैं मुद्दे पर। एक मिनट, तुम्हारे ही मुद्दे पर आ रहे मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। अरे सुन लो, सुनो, मोदी जी और अमित शाह जी के 2 पंक्तियां हमारे पास। लक्ष्मण रेखा बहुत छीन है, बहुत कठिन है खाई, कदम कदम में फिसलाएगी, रस्म से चिकनाई, गिरना, उठना, गिर के पार निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, निष्कलंक रह के खत्म करना। ये जो कलंक लगा रहे हैं ना, ये लोग ऐसे लोग है ना। देखो मेरी बात, मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत होते हुए तुमसे सवाल, मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत होते हुए तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। बस सुनना मेरी बात सुनना, ठीक है? मैं पूछ रहा तुमने 2 चीजें उठाई कि मोदी सरकार से पहले देश के ऊपर में 88 लाख का कर्जा था, जो कि मैंने 88 लाख करोड़ में कन्वर्ट किया। फिर तुमने बोला कि, एक मिनट मुझे बोल लेने दो। फिर तुमने बोला कि मोदी जी के आने के बाद 155 लाख का कर्जा था, जिसे मैंने 155 लाख करोड़ में कन्वर्ट किया। तो पहली मेरी बात सुनो, मैंने इतनी देर
फिर सुनी ना। तो पहली चीज तो ये कि 155 लाख और 155 लाख करोड़ में फर्क होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर 88 लाख के बाद 88 लाख करोड़ के बाद कर्ज हुआ है तो तुमने वो डेटा कहाँ से निकाले? ऑन कैमरा मुझे दिखा दो, मैं तुम्हारी बातें मान जाऊंगा। दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनो।